तो आज हमारा क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सबशेल के अंदर होते हैं और सबशेल शेल के अंदर होता है ना। तो हर ऑर्बिटल के तीन क्वांटम नंबर होते हैं, एन, एल और एम। हर ऑर्बिटल के तीन क्वांटम नंबर होंगे ना, क्यों? पहले क्या आएगा? शेल। शेल के अंदर क्या आएंगे? सब शेल आएंगे। ये मैं मान लो मैं थर्ड शेल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थर्ड शेल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उसमें तीन सब शेल होंगे। तीन सब शेल तो एस, पी और डी सब शेल, ये मैंने ड्रॉ कर दिए तीनों सब शेल, और उन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होंगे। अब अगर मैं इस ऑर्बिटल को पिक कर लूँ, इस ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू कितनी है? थ्री है ना, क्योंकि थर्ड शेल में है ये। एन की वैल्यू थ्री है। एल की वैल्यू कितनी है? डी के लिए एल की वैल्यू टू। एन की वैल्यू थ्री, एल की वैल्यू टू, और एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस टू से लेके प्लस टू तक, इस ऑर्बिटल के लिए। ये बात समझ में आ गई? तो हर ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू और एल की वैल्यू कुछ होती है, ठीक है? और उस एन प्लस एल की वैल्यू का कितना नंबर, एन प्लस एल अगर आप करोगे, ठीक है ना, तो कुछ नंबर आ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एन प्लस एल कितना है? फाइव। तो एन प्लस एल कितना है? फाइव है। तो जिस ऑर्बिटल का एन प्लस एल ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात? जिस ऑर्बिटल का एन प्लस एल ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा? एन प्लस एल ज़्यादा है, मतलब ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होगा ना, तो वो फिर उसका एनर्जी ज़्यादा जाता है। जितना न्यूक्लियस से आप दूर जाते जाते हो ना, उसका एनर्जी उतना बढ़ता जाता है, ठीक है बात है? तो इसको एन प्लस एल रूल बोलते हैं। ये मैं लिखवाऊंगा अभी, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं ये थ्योरी भी लिखवा दूंगा। अभी समझ लो पहले, क्लियर होगी बात है? तो एन प्लस एल अगर ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात, अगर एन प्लस एल सेम आ जाए तो एनर्जी सेम होगी? नहीं। तो फिर अगर एन कम होगा उसकी एनर्जी कम है। देखो जैसे, ये बात समझ में आ गई, एन प्लस एल ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। अब एक केस मैं बताता हूँ, जैसे मान लो थ्री पी के लिए एन प्लस एल बताओ कितना है? थ्री पी के लिए एन की वैल्यू थ्री, एल की वैल्यू टू, कैसे वन है ना, पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है ना, तो फोर हो गई ना। फोर एस के लिए एन प्लस एल कितना है? फोर प्लस जीरो फोर। तो इन दोनों के लिए फोर आ गई, थ्री पी के लिए भी फोर है और फोर एस के लिए भी फोर है, तो फिर क्या होगा? तो फिर जिसका एन कम है ना उसका एनर्जी कम होता है, ओके? तो 3p का एनर्जी 4s से कम है, समझ में आ गई बात है? हाँ, 3p की एनर्जी कम है 4s से। तो n प्लस, इसको n प्लस l रूल बोलते हैं। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? जब आपके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, मतलब उस एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये n प्लस l रूल लगता है। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, रूल क्या है? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए अगर n प्लस एल वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी कम है। n प्लस एल अगर सेम आ गया तो जिसमें n कम है उसका एनर्जी कम होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया या हीलियम प्लस हो गया या लिथियम टू प्लस हो गया, इन सब में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इन सब के लिए जो एनर्जी है सिर्फ n की वैल्यू से डिसाइड होती है, l की वैल्यू से नहीं होती। सिर्फ n की वैल्यू, जिसकी n कम उसका एनर्जी कम। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो 2s और 2p दोनों का एनर्जी सेम है, क्योंकि 2 है ना, s और p से कोई लेना देना ही नहीं। एक शेल, शेल में सबकी एनर्जी सेम है, समझ में आ गई बात है? इतना सी बात है, इस इतनी सी थ्योरी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखो तो हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वांटम नंबर्स ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो। ये छह इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर हैं, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। इनको आपको इंक्रीजिंग एनर्जीज में अरेंज करना है।
तो एनर्जी के लिए आपको ये एम और एस की वैल्यू तो देखना जरूरी नहीं है, इसको तो हटा ही दो, इसका कोई रोल नहीं है एनर्जी में, रोल किसका सिर्फ एन और एल का। तो आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, तो क्या करोगे, एन प्लस एल इसका कितना आएगा, छः, छः इसका, पाँच इसका, फाइव इसका, फाइव इसका, फोर इसका, फाइव। तो सबसे अच्छा आपको क्या करना है, अरेंज किस में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम पहले लिखोगे, सबसे कम किसका है, सबसे कम ये है, उससे ज़्यादा, अब तीन आ गए, वन टू थ्री, तीन आ गए ना, तो तीनों में क्या होगा, एन की वैल्यू इसमें कम है तो सबसे कम आएगी फाइव की, उसके बाद फोर का, है ना, उसके बाद थ्री और सिक्स, थ्री और सिक्स, टू कैसे आ जाएगा, हाँ सॉरी, फोर के बाद टू है ना, लेकिन फोर और टू की इक्वल है क्योंकि उसमें क्या कर रहे हो, एक सेकंड रुको, सुनो सुनो, एक सेकंड, एक सेकंड, फाइव हो गया, उसके बाद इंक्रीजिंग में लिखना है ना, तो सबसे कम फाइव का होगा ना, देखो, हाँ तो सही तो लिख रहे हैं क्या, सही तो लिखा है, फाइव इज लेस देन फोर, तो फोर ज्यादा है ना फाइव से, ठीक है ना। यहाँ देखो थोड़ा और क्लियर लिखा हुआ, तो सबसे कम एन प्लस एल किसका है, किसका है सबसे कम एन प्लस एल, यहाँ लिखा है ना फोर, तो सबसे कम किसकी होगी एनर्जी, फाइव की। उसके बाद एन प्लस एल सेम हो रहा है, इसका 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 और इसका, इनका सबका सेम हो गया ना एन प्लस एल, तो अगर इनका सेम हो गया तो क्या करेंगे, जिसका एन कम है वो देखोगे ना, तो ये रहा एन, इनमें किसका कम है, ये वाला और ये वाला, और ये वाला, टू और फोर का एन कम है ना, तो फिर इसको टू और फोर को लगाओगे, दोनों का इक्वल एनर्जी है, ओके, एन एन भी सेम है, एल भी सेम है, एनर्जी तो सेम होगा ना फिर, उससे ज़्यादा किसका है, अब कौन कौन से कट गए, अब कौन कौन से हो गए, देखो ये हो गया, ये हो गया और फिफ्थ हो गया, अब थर्ड और सिक्स्थ देखोगे ना पहले, थर्ड और सिक्स्थ में दोनों का सेम एनर्जी, एन भी सेम है, एल भी सेम है, तो लेकिन थर्ड और सिक्स्थ का टू और फोर से ज़्यादा है, तो ये आ गया फिर आंसर थ्री सिक्स, सबसे ज़्यादा किसका है, वन का, क्योंकि उसका एन प्लस एल सबसे ज़्यादा है, तो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सर फिर इसके लिए एन प्लस एल निकालना जरूरी, हाँ तो एन प्लस एल निकालना जरूरी है, यस ठीक है ना। तो क्या है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल ऑफ एन ऑर्बिटल लोअर इज इट्स एनर्जी, इफ टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ एन विल हैव लोअर एनर्जी, ठीक है ना। ऑर्बिटल जिनका एन प्लस एल सेम है, एन भी सेम है, एल भी सेम है, एन प्लस एल सेम नहीं बोल रहा, एन भी सेम हो, एल भी सेम हो, तो फिर एनर्जी सेम होगा, क्लियर होगी बात है, यही बात है बस।